नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो लंका प्रीमियर लीग 2024 के ग्रुप मैचेस लगभग थोड़े से ही बाकी हैं। दोस्तों मैच नंबर 16 खेला जाएगा गाले मार्वल्स और दाम्बुला थंडर्स के बीच, और मैच नंबर 17 खेला जाना है कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सेस जाफना किंग्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे दोनों ही मैचेस का क्या होने वाला है प्रेडिक्शन। सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं। एक ही दिन में दोनों मैच खेले जाने हैं, एक मैच होगा 3 बजे और दूसरा मैच होना है शाम को 7:30 बजे, सेम वेन्यू आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो। तो पहले मैच पर नजर डालते हैं, गाले मार्वल्स और दाम्बुला थंडर्स के बीच होने वाला ये मैच। देख लेते हैं कि जिस वेन्यू पर ये मैच होना है उसके पिछले कुछ मैचेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक न्यूज आपको दे दूं कि इस वेन्यू पर बारिश की संभावना इस हफ्ते बताई जा रही है बहुत ज्यादा, यानी कि जितने मैच इस वेन्यू पर अभी होने वाले हैं और वो भी काफी ज्यादा मैच इस हफ्ते इस वेन्यू पर खेले जाने हैं, तो वो सब बारिश के चक्कर में डिस्टर्ब हो सकते हैं भाई। फिर भी हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ खेले गए मैचेस कैसे रहे इस वेन्यू पर। तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज खेली गई थी इस वेन्यू पर कुछ टाइम पहले, जिसे श्रीलंका ने 2-1 से जीता था। पहला मैच आप देख सकते हैं, जिम्बाब्वे ने बनाए थे 143 और श्रीलंका जीत गई थी 3 विकेट से। दूसरे मैच में श्रीलंका ने बनाए थे 173 और जिम्बाब्वे जीत गई थी इस मैच को 4 विकेट से। तीसरे मैच में जिम्बाब्वे बना पाई थी 82 रन, ऑल आउट हो गई थी और श्रीलंका ने 9 विकेट से ये मैच जीत लिया था। ओवरऑल पेसर्स की अगर हम बात करें तो इस वेन्यू पर पेसर्स को मिले हैं 15 विकेट जबकि स्पिनर्स को मिले हैं 20 विकेट्स, तो कहीं ना कहीं ये पिच स्पिनर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों थोड़ा और डीप में देख लेते हैं, इसी वेन्यू पर एवरेज स्कोर है 149 रन, हाईएस्ट स्कोर यहाँ का 207 रन है और लोएस्ट स्कोर 69 रन का है। इसके अलावा इस वेन्यू पर खेले गए अभी तक 45 मैचेस, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है 24 मैच और दूसरी बैटिंग करने वाली टीम जीती है 21 मैच, लिहाजा टॉस यहाँ पर कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, 50-50 है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 से नीचे अभी तक 22 बार स्कोर देखने को मिला है सबसे ज्यादा, और 150 से 169 के बीच 10 बार, 170 से 189 के बीच 9 बार और 190 के ऊपर का स्कोर अभी तक 4 बार देखने को मिला है, यानी कि सबसे ज्यादा मैचेस जो यहाँ होते हैं काफी लो स्कोरिंग मैच होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो अभी तक आमने सामने ये टीम्स 9 बार एक दूसरे से भिड़ी हैं, जिसमें से गाले मार्वल्स ने जीते हैं 2 मैच और दाम्बुला की टीम ने जीते हैं 7 मैच। इस हिसाब से दाम्बुला की टीम काफी आगे है गाले मार्वल्स के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम दोनों टीम्स के अपने अपने पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो गाले मार्वल्स ने अपने 5 में से 3 मैच जीते हैं और दाम्बुला ने अपने 5 में से 2 मैच जीते हैं, 3 मैच ये हार चुके हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं दोनों ही टीम्स के खिलाड़ियों पर। तो गाले मार्वल्स के ये रहे वो सभी खिलाड़ी जो मैदान पर हमें दिखाई देने वाले हैं इस मैच में। सबसे पहले कप्तान निरोशन डिकवेला और ये पूरी टीम, देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से प्लेयर्स पिछले कुछ समय से किस फॉर्म में चल रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कप्तान की, तो पिछली कुछ पारियां इनकी ये रही आपके सामने। इनमें से कई पारियां काफी इम्पैक्टफुल देखने को मिली हैं, जैसे कि ये 47-50। इसके अलावा बल्ला अधिकतर इनका खामोश रहा है, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट नो डाउट एबिलिटी है, कर सकते हैं। इसके बाद एलेक्स हेल्स की अगर हम बात करें भाई, तो ये कमाल का खिलाड़ी रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में, बड़ी भयानक पारियां देखने को मिली हैं इनके बल्ले से भी, 86 रन, 38 रन, 65 रन, और स्ट्राइक रेट की हम बात करें तो स्ट्राइक रेट भी इनका लगभग 200 के आसपास रहता है, तो सेव कर लीजिए, इस मैच में ये कमाल का साबित हो सकता है। आगे बात कर लेते हैं हम टिम साइफर्ट की, नजर डाल लीजिए भाई, 82 रन 49 गेंदों पर, 104 रन 63 गेंदों पर, ये 2 कमाल की पारियां बड़ी खतरनाक रही इसी लीग में। बाकी की पारियों में कुछ खास नहीं, लेकिन काबिलियत तो यहीं से दिख जाती है ना बॉस, तो कोई भरोसा नहीं, इस मैच में ये भी खतरनाक चल सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे पहली बार राजपक्षा के बारे में, जिनके बारे में अभी तक हमने किसी मैच में कुछ नहीं कहा क्योंकि अभी तक ये कुछ खास कर नहीं पाए थे, बट पिछली जो इन्होंने पारी खेली है 26 बॉल में 46 रनों की। इसके अलावा इस वेन्यू पर इनके 366 जो रन है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस मैच में अब ये तगड़े साबित हो सकते हैं। इसके बाद एक नए खिलाड़ी पर नजर डालेंगे, ड्वेन प्रिटोरियस, जो कि ऑलराउंडर है, जिन्होंने पिछले 5 मैचेस में 6 विकेट्स अभी तक लिए हैं। इसके बाद सीधी बात करेंगे हम ओडाना के बारे में, जो कि एक ऑलराउंडर की भूमिका बढ़िया निभा रहे हैं। देखिए भाई, 2 अर्धशतक ये लगा चुके हैं, 23 पारियां इन्होंने खेली हैं, इसके अलावा विकेट्स भी इन्होंने लिए हैं टीम के लिए, पिछले 5 मैचेस में 9 विकेट्स ये ले चुके हैं, तो गजब के फॉर्म में है, दोनों डिपार्टमेंट्स में बढ़िया खेल रहे हैं, इनको भी मार्क कर लीजिए, इस मैच में इनके चलने का चांस काफी ज्यादा रहेगा, बॉलिंग में ना सही बैटिंग में ही सही, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग ही सही। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं जहूर खान को, तो इनके ये रहे पिछले कुछ रिकॉर्ड्स, पिछले 7 मैचों में ये ले चुके हैं कुल 10 विकेट्स, ये लीग भी इनके लिए काफी बढ़िया जा रही है, विकेट्स मिल रहे हैं लगातार इनको, तो इस मैच में इन पर भी भरोसा किया जा सकता है। तो ये थी टीम गाले मार्वल्स, अब नजर डाल लेते हैं दाम्बुला थंडर्स की टीम पर। तो दोस्तों ये रहे वो सारे खिलाड़ी जो इस
मैच में आपको ग्राउंड पर दिखाई दे सकते हैं, जहां पर कप्तान है मोहम्मद नबी। और अब हम बात कर लेते हैं उन सभी खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के बारे में जो इस मैच में अच्छे साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेंगे कुशल परेरा की, जो इस लीग में दो बड़ी बड़ी पारियां खेल चुके हैं, इंक्लूडिंग अ सेंचुरी। इसके अलावा ये 80 रन वाली पारी को भी सेंचुरी माना जा सकता है, तो अच्छे फॉर्म में है। इस मैच में इनके चलने का चांस भी बना रहेगा। इसके बाद रीजा हेंड्रिक्स की हम बात करें, जो आईपीएल और वर्ल्ड कप दोनों में छा गए थे, इसके बाद अब इस लीग में भी कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले 3 मैचों में ये रहा है इनका रिकॉर्ड, 2 हाफ सेंचुरीज देखने को मिली है, स्ट्राइक रेट भी बड़ा गजब का है, तो इनको भी नोट कर लीजिए, इस मैच में ये भी चल सकते हैं। अगला खिलाड़ी है मार्क चैपमैन, नजर डाल लीजिए भाई। ये रही इनकी पिछले कुछ पारियां, जिसमें से शानदार पारी जो आपको दिखाई देती है 91 रन नॉट आउट और 33 रन नॉट आउट, अच्छी पारियां थी। मौका मिलता है तो बड़ी पारी खेल लेते हैं, नहीं मिल पाता है तो कुछ इस तरीके की पारियां देखने को मिलती है, तो इन पर भी भरोसा रखिएगा इस मैच में, ये भी अच्छा कारनामा कर सकते हैं भाई। आगे देख लेते हैं दुष्यंत हेमंता को, तो ये रहा इनका पिछला रिकॉर्ड, पिछले 5 मैचेस में ये 8 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा इस वेन्यू पर इनके नाम है 29 विकेट, और हेड टू हेड रिकॉर्ड की भी अगर बात करें तो अभी तक गाले मार्वल्स के खिलाफ ये ले चुके हैं 6 विकेट। वो अच्छे फॉर्म में है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉलर्स की तरफ से इस टीम में ये अच्छे साबित हो सकते हैं। अगले गेंदबाज को देख लेते हैं, जिनका नाम है नुवान प्रदीप। पिछले 5 मैचों में ये ले चुके हैं 6 विकेट, 1-2-1-2। और दूसरे नुवान की बात करी जाए, यानी कि नुवान तुसारा, तो ये भी ले चुके हैं पिछले 5 मैच में 1-2-1-3-4, यानी कि पिछले 5 मैचेस में 11 विकेट्स, और साथ ही साथ इस वेन्यू पर भी इनके नाम पर 25 विकेट्स हैं, तो नोट कर लीजिए इस मैच में इनके चलने का चांस भी बहुत ज्यादा रहेगा। आखिरी खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, मधुशंका। पिछले 2 पारियों में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसके पहले लगातार दुबकी मारे जा रहे थे, तो पिछले 5 मैच में ये 6 विकेट ले चुके हैं, इस वेन्यू पर भी 13 विकेट्स ये अभी तक टोटल ले चुके हैं, इसीलिए इन पर भी भरोसा किया जा सकता है। कुल मिला के गेंदबाजी अच्छी दिखाई दे रही है टीम की। तो ये थी टीम दामबुला थंडर्स। अब इस पूरी एनालिसिस के बाद और सभी आंकड़े देखने के बाद हम चलते हैं हमारे वर्डिक्ट यानी कि प्रेडिक्शन की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क, इस मैच में हमारा सपोर्ट रहने वाला है गाले मार्वल्स की तरफ। जी हाँ दोस्तों, इस मैच को गाले मार्वल्स की टीम जीतने वाली है, और इस प्रेडिक्शन में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश या चेंज के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और दोस्तों किसी भी मैच के दौरान लगातार उस ग्रुप पर एक्टिव बने रहें। चलिए अब हम बात करेंगे मैच नंबर 2 के बारे में, कोलंबो स्ट्राइकर्स वर्सेस जफना किंग्स। तो वेन्यू की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए हम सीधे चलते हैं दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड आंकड़े देखने के लिए। तो अभी तक सिर्फ 10 बार इन टीम्स का आमना सामना हुआ है, जिसमें से कोलंबो की टीम जीती है 2 मैच और जफना किंग्स की टीम जीती है 8 मैच, यानी कि जफना किंग्स कोलंबो से 4 गुना आगे है। इसके अलावा दोनों टीम्स के पिछले 5-5 मैच अगर देखें तो कोलंबो पिछले 5 में से सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई है, और जफना किंग्स की टीम पिछले 5 में से 4 मैच जीत चुकी है भाई। इसके बाद अब नजर डाल लेते हैं दोनों ही टीम्स के खिलाड़ियों पर। तो ये रही टीम हमारी कोलंबो स्ट्राइकर्स, ये सब खिलाड़ी आपको मैदान पर दिखाई दे सकते हैं भाई। टीम के कप्तान हैं तिसारा परेरा, और अब हम बात करेंगे इनमें से कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ियों की जिनका रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास रहा हो। तो सबसे पहले डालते हैं नजर रहमानुल्लाह गुरबाज पर, जिनकी पिछली पारियां आप देख लीजिए, कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए वर्ल्ड कप के बाद। ये 3 पारियां कुछ ठीक ठाक सी दिखाई देती हैं, लेकिन जिस लेवल के ये खिलाड़ी हैं इससे बेटर ये परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ग्लेन फिलिप्स की, तो बॉस पिछली 3 पारियों में लगातार अर्धशतक जड़ा है, बेहतरीन फॉर्म में है, रन्स बना रहे हैं, स्ट्राइक रेट भी सॉलिड है, तो लिख लीजिए इस मैच में इनकी दावेदारी भी बेहतरीन होने वाली है। आगे देख लेते हैं एंजेलो परेरा, तो पिछली 3 पारियों से ये भी काफी अच्छा स्कोर बना रहे हैं, हालांकि हाफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाए अपनी इन इनिंग्स को, लेकिन रन्स बना रहे हैं भाई, तो ये भी अच्छे साबित हो सकते हैं इस मैच में। आगे बढ़ जाते हैं, कप्तान कुछ खास साबित नहीं हो पा रहे हैं, ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में ना बैटिंग में। तो अब हम नजर डाल लेते हैं अगले खिलाड़ी पर, शादाब खान, जिनको मैंने काफी अंडर एस्टिमेट किया शुरू से अभी तक, लेकिन इन्होंने जब ये 2 मैच में 4-4 विकेट ले लिए तो इन पर भरोसा दोबारा से जागा। हालांकि पिछली पारी में ये बढ़िया पिटे हैं, कोई विकेट नहीं मिल पाया, 32 रन भी दे डाले। फिर से एक बार मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस मैच के बारे में। अगले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, और वो होंगे तस्कीन अहमद। पिछले 7 मैचेस में 8 विकेट ले चुके हैं, इस वेन्यू पर 13 विकेट्स ये ले चुके हैं, आप चाहें तो भरोसा कर सकते हैं, मैं तो करूंगा, तो अच्छे साबित हो सकते हैं इस मैच में। सेम पथिराना की अगर बात की जाए, तो पिछले 2 मैच में कोई भी विकेट नहीं ले पाए, लेकिन इसके पहले विकेट्स की जड़ी लगाई थी, 4 विकेट 1 विकेट, और ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि इस वेन्यू पर भी इनके 17 विकेट्स हैं अभी तक, तो कर लीजिए भरोसा भाई, अच्छे साबित हो सकते हैं इस मैच में। तो ये थी टीम कोलंबो स्ट्राइकर्स, अब नजर डाल लेते हैं बेहतरीन टीम जफना किंग्स। तो ये रहे वो सब खिलाड़ी जो हमें इस
मैच में ग्राउंड पर दिखाई दे सकते हैं। चरित असलंका की कप्तानी वाली ये टीम, इसमें से अब हम नजर डाल लेते हैं उन खास खिलाड़ियों पर जिनका रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास रहा हो। तो सबसे पहले खिलाड़ी हैं पथुम निसंका, जिनकी पिछली पारियां ये रही आपके सामने, जिनमें से ये दो पारियां बड़ी स्पेशल थी। इसके अलावा इस वेन्यू पर इनके नाम है 513 रन, तो ये चीज भी मैटर करती है कि इस मैच में ये चल सकते हैं। इसके बाद कुशल मेंडिस, जो पिछले 5 मैचों में 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, और ये वाली पारी तो बहुत ही स्पेशल रही है। इसके अलावा इस वेन्यू पर ये बना चुके हैं अभी तक 221 रन, तो इनको भी ले लीजिए टीम में। अगले खिलाड़ी अविष्का फर्नांडो, पिछली 6 पारियों में से 4 अर्धशतक मार चुके हैं भाई। खास करके ये 80 रन वाली पारी बड़ी ही धुआंधार खेली थी। अच्छे फॉर्म में भी हैं, कंसिस्टेंट भी हैं, तो बिल्कुल इनसे आप उम्मीद करिए कि इस मैच में ये गजब का कारनामा कर सकते हैं। तुरंत नजर डालिए रायली रूसो पर, तो इन्होंने भी पिछले मैच में ये सेंचुरी मारी है, बहुत ही शानदार। इसके पहले भी ये बड़ी बड़ी पारियां इसी लीग में खेल चुके हैं, 67 रन, 41 रन, और स्ट्राइक रेट देखिए 200 के ऊपर का है। इस वेन्यू पर भी 366 रन ये बना चुके हैं, तो इनको तो सबसे ऊपर रखिएगा टीम में, इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे चलते हैं, कप्तान की बात कर लेते हैं चरित असलंका, जिनकी पिछली कुछ पारियां ये रही आपके सामने, जिनमें से ये 3 पारियां कुछ अच्छी रही हैं, और इस वेन्यू पर भी ये 336 रन बना चुके हैं, तो इनको भी रख लीजिए। इसके बाद अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में नजर डाली जाए तो बॉलर्स कुछ खास कारनामा नहीं कर पा रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से। ये देखिए पिछले 5 मैचों में 4 विकेट लिए हैं इन्होंने। वहीं अगर फर्नांडो पर नजर डालें तो पिछले 5 मैचों में इन्होंने भी 4 विकेट लिए हैं। मधुशन ने पिछले 6 मैचों में सिर्फ 5 विकेट लिए हैं, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है टीम, और ऐसे में एक उम्मीद दिखाई देती है तबरेज शमसी के रूप में। जी हाँ, पिछले 5 मैचों में 9 विकेट ये ले चुके हैं। टीम की तरफ से इकलौते बेहतरीन गेंदबाज दिखाई पड़ते हैं। तो ये थी टीम जफना किंग्स। अब इस पूरे आकलन के बाद हम चलते हैं हमारे प्रिडिक्शन यानी कि वर्डिक्ट की तरफ। तो भाइयों, अकॉर्डिंग टू अभिमन्यू सर एंड हिज वर्क, इस मैच में हमारा सपोर्ट रहने वाला है टीम जफना किंग्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस मैच को जफना किंग्स की टीम जीतने वाली है। और फिर से अभी बात कहूंगा कि अगर प्रेडिक्शन में कोई भी फेरबदल होती है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिकेट का बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए, आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।